जगह राजस्थान की राजधानी जयपुर। दिन मंगलवार, तारीख 5 दिसंबर, समय दोपहर करीब 1:30 बजे। हर रोज की तरह राष्ट्रीय राजपूत करली सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जयपुर के श्याम नगर वाले अपने ऑफिस में मौजूद थे, तभी दरवाजे पर एक दस्तक देती है। सुखदेव का गार्ड अंदर से दरवाजा खोलता है, 3 शख्स अंदर उसके ऑफिस में दाखिल होते हैं। सुखदेव उसको सम्मान से सोफे पर बैठाते हैं। शायद इन तीनों को सुखदेव पहले से जानते थे। करीब 10 मिनट की बातचीत का सिलसिला चलता है, हंसी मजाक ठहाके भी लगते हैं। इसी बीच में मेहमान बनकर आए युवकों में से एक युवक जो कि सुखदेव के ठीक सामने बैठा है, खड़ा होता है और उसके पीछे की तरफ हाथ ले जाकर एक पिस्तौल निकालता है और ताबड़तोड़ गोलियां सामने बरसा देता है। 1, 2, 3, 4 गोलियां नहीं बल्कि 17 राउंड फायर किए जाते हैं। गोगामेड़ी सोफे से नीचे गिर गए। वहां पर मौजूद 2 और लोगों के ऊपर भी फायरिंग की गई, वो भी दोनों वहीं पर गिर गए। बंद कमरे में 3 लाशें गिर चुकी थी, दीवारों पर गोलियों के निशान चस्पा हो गए थे, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। कौन थे ये लोग पता नहीं, कहां से आए थे पता नहीं, मगर इरादा इनका साफ था, गोगामेड़ी की हत्या करना। जिस वक्त उनके पास ये लोग पहुंचते उनके शरीर के खून बह चुका था, फिर भी नजदीक के एक अस्पताल में उनको पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हमले के दौरान सुरक्षा गार्ड की भी गोली लगने से मौत हो गई। हमलावरों ने नवीन सिंह शेखावत को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। कहानी यहां खत्म नहीं होती, दरअसल ट्विस्ट है। राजपूत करणी सेना के संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के ठीक बगल में बैठा था उनका खास नवीन सिंह शेखावत। बदमाशों ने उसको भी गोलियों से भोज दिया। अब यहां पर एक और ट्विस्ट आता है। देखिए, भला सोचिए, अगर गोगामेड़ी उन तीनों को नहीं पहचानते थे तो फिर ऑफिस में उनको एंट्री कैसे मिली? हमलावर सुखदेव के खास नवीन सिंह के साथ ही उस दफ्तर में दाखिल हुए थे। ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान पहली गोली सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के सीने पर लगी। इसके तुरंत बाद एक साथ कई गोलियां दागी गई। गोगामेड़ी के जमीन पर लटकने के बाद भी उनके सटाकर सिर पर नजदीक से गोली मारी गई, मानो हमलावरों के सिर और आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून सवार था। घटनाक्रम के दौरान सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का एक गनमैन भी उसी कमरे में मौजूद था। हमलावर ने उस गनमैन को भी गोली मारी। जमीन पर गिरने के बाद उसे और गोली मारी गई। जो 3 व्यक्ति सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के दफ्तर में आए थे उनमें से एक शहपुरा निवासी नवीन सिंह शेखावत था। वो दोनों हमलावर जब तक गोगामेड़ी पर फायरिंग की तब उनके साथ आने वाले नवीन शेखावत रोकने का प्रयास करता है। इस दौरान दोनों हमलावरों ने नवीन पर भी फायरिंग कर दी और वो जिस नवीन शेखावत के साथ दोनों हमलावर आए थे उन्हीं हमलावरों ने नवीन सिंह पर भी फायरिंग की। बताया जा रहा है नवीन सिंह शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का परिचित था, उसी के साथ हमलावर आए थे। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भागने गए दोनों हमलावरों ने एक स्कूटी सवार व्यक्ति को गोली मारकर स्कूटी छीनी और स्कूटी लेकर फरार हो गए। दोनों हमलावर काले रंग की स्कॉर्पियो से आए थे। स्कॉर्पियो नवीन सिंह शेखावत चला कर लाया था। नवीन सिंह की मौत के बाद दोनों हमलावर स्कूटी से भाग चुके थे। अब तक कहानी खत्म हो गई। हमलावर कौन थे, ये हमलावर कहां आए थे, अब तमाम गैंगों का नाम इसमें सामने आ रहा है। लेकिन राजस्थान में एक दिन पहले ही सरकार बदली है और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो गई है। अब इससे जो है लगने लगा है कि बेलगान अपराधियों को आखिरकार कब शिकंजे में कसा जाएगा। सियासत में अब उनकी चर्चाएं हो रही हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर कांड की हिस्ट्री कहां से आई है, कौन थे ये लोग, किस गैंग से जुड़े थे, क्या आखिरकार किसी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का हाथ इसमें है, या फिर कोई राजस्थान में जिस इससे पुरानी अदावत के लिए ये इस तरह की खूनी रंजिश पूरी रची है। फिलहाल आज इस हत्याकांड ने पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश भर में हलचल मचा रखी है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है लेकिन वो हम आपको दिखा नहीं सकते, वो विभत्स कर देने वाला है, दिल कपा देने वाला है।